देखो भैया, मानो या ना मानो, आखिर में काम तो कप्तान ही आता है। सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज पोर्टल्स के ऊपर, कर हर जगह यही खबर चलती रही कि भैया हार्दिक पांड्या जब बू हो रहे थे, तब रोहित शर्मा रेस्क्यू के लिए आगे आए और बंदे ने क्राउड को काम कराया। हर एक न्यूज पोर्टल के ऊपर कल यही खबर छाई हुई थी। और जाहिर सी बात है, कल के मैच में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद में जो एक हार्डकोर मुंबई इंडियंस का फैन रहा होगा, उसके दिमाग में एक बार ये बात जरूर अक्रॉस आएगी कि यार आखिर हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या कर दिया जो उसको इतना ज्यादा बू किया जा रहा है। मतलब आप एक बार जस्ट इमेजिन करके देखिए कि ऐसी फ्रेंचाइजी जो कि 5 बार आईपीएल की चैंपियन रह चुकी हो, वो अपना एक कप्तान बनाती है उस लड़के को जो मुंबई से ही खड़ा हुआ है और उसको ही वहां की पब्लिक बू कर रही है। तैयारी ऐसी थी कि जो लोग रोहित शर्मा के नाम का प्लेकार्ड लेकर मुंबई इंडियंस के स्टेडियम के अंदर जा रहे थे वानखेड़े में, उनसे प्लेकार्ड्स बाहर ही ले लिए जा रहे थे। एमसीए को क्लैरिफिकेशन में स्टेटमेंट देना पड़ रहा था कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि भैया कोई अगर बू करेगा तो उसको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जब ये खबर चली थी तब लोगों ने कह दिया था कि भैया कितनों को बाहर निकालोगे, खाली स्टेडियम में मैच कराना है क्या? मुंबई इंडियंस की इतनी बुरी हालत ऑफ द फील्ड कभी नहीं हुई। ऑन फील्ड जो होता है समझ में आता है, उसको संभाला जा सकता है, बट ऑफ द फील्ड इस समय जो चीजें चल रही हैं उसको देखकर अंबानी परिवार के दिमाग में ये बात एक ना एक बार जरूर आ गई होगी कि आखिर हमने क्यों ही पांड्या के ऊपर 15 करोड़ रुपए खर्च की। वैसे आपको एक चीज बता दूं कि ये जनता है, इस जनता को चीजें भूलने में भी देर नहीं लगती। हम जैसे बार बार आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे धोनी रहे हो, चाहे राहुल द्रविड़ रहे हो, जो कि एकदम मतलब शांति प्रियता के लिए मिसाल दी जाती है जिनकी, इन सबके घर के बाहर इनके पुतले जलाए गए हैं। लेकिन आज के समय में जो चीज हम देख रहे हैं ये मॉडर्न तरीका है किसी खिलाड़ी के विरोध करने का। और इसी पब्लिक के बारे में जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये है कि पब्लिक बहुत बहुत नादान होती है, बहुत भूली होती है। आप इनका दिल खुश कर दो बस, ये आपको माफ कर देंगे। रोहित शर्मा को लेकर भी यही चीजें कई बार हुई हैं। रोहित शर्मा जब क्रिटिसिज्म के बीच में आए, लेकिन बार बार उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया और बस वही चीज पब्लिक को छा गई। और इस समय हार्दिक पांड्या को लेकर भी यही चीज कही जा रही है। हार्दिक पांड्या को लेकर कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने एक बार अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, उसके बाद पब्लिक जो है हार्दिक पांड्या को ही बैक करेगी। मतलब एक स्लोगन कहा जाता है ना, नवरात्रि में डांडिया, वानखेड़े में पांड्या, ये स्लोगन आपको पूरे के पूरे वानखेड़े में गूंजता हुआ सुनाई देगा। लेकिन उसके लिए हार्दिक पांड्या को खुद के लिए स्टेप्स लेने होंगे, खुद को रिडीम करना पड़ेगा, पब्लिक के सामने खुद को प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग इस समय रयान पराग 2.0 की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर रयान पराग ने आईपीएल में 7 मैच खेलकर 78 रन बनाए थे और मतलब बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया था। और इस बार के आईपीएल में 3 मैच हुए हैं, 181 रन बंदा बना चुका है और विराट कोहली के साथ में सबसे ज्यादा रन बनाने की जो स्पॉट है उसको शेयर कर रहा है, ऑरेंज कैप का होल्डर है। रयान पराग ने भी टाइम लिया, कमबैक किया, लेकिन ऐसा कमबैक किया कि अब लोग ये भूल गए कि 2023 के आईपीएल में रयान पराग के लिए कहा जाता था कि इस टीम में 5 बैट्समैन खेलते हैं, 5 बॉलर खेलते हैं और एक रयान पराग खेलता है। मतलब कि ये बंदा किसी काम का ही नहीं है, पता नहीं किस कोटे से खेलता है। लेकिन इस बार के आईपीएल में राजस्थान की रीढ़ की हड्डी की जो मजबूती है उसको बढ़ाने का काम रयान पराग ही कर रहा है। यहां पर हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रयान पराग से भी लेनी चाहिए। एज डजंट मैटर, क्योंकि रयान पराग ने जिस तरह कमबैक किया है ना, जिस मेच्योरिटी के साथ में कमबैक किया है, उसके बाद किसी के लिए कुछ बोलने को रह नहीं गया है। जो ट्रोल्स कर रहे थे रयान पराग को, उस सब रयान पराग की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या को भी समय सिर्फ जरूरत है एक अच्छी परफॉर्मेंस की। एक बार हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को घर पहुंचा दिया, उसके बाद पब्लिक का भी रिएक्शन पांड्या के लिए बदलना शुरू हो जाएगा। इवन कल के मैच में जब सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत जल्दी बहुत सस्ते में मुंबई इंडियंस के 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद एक पॉइंट आया था जहां पर कि हार्दिक पांड्या एक लंबी इनिंग खेल सकते थे। हार्दिक पांड्या जब आउट हुए कल, 30-35 रन कुछ बनाए उन्होंने 21 बॉलों में, तब 9.3 ओवर्स ही हुए थे। अगर उस पॉइंट पर पांड्या थोड़ा और टिक कर खेलते, कई लोग जाकर ये बात अभी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर पांड्या ने कल धीरे खेला होता तब तुम लोग तब भी सवाल उठाते ना। ऐसा नहीं, बात तब उठती है, सवाल तब उठता है जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो। कल की सिचुएशन तो डिमांड ही ये कर रही थी यार कि आप बस कैसे भी करके एक बड़ा स्कोर टांग दो। अगर कल पांड्या 15वें या 16वें ओवर तक भी खेल जाता तो बमुश्किल कम से कम 75-80 रन तो बना ही देता, और तब कहीं ना कहीं वो मुंबई को ऐसी सिचुएशन में भी ला देता जहां पर कि मुंबई राजस्थान से फाइट कर पाती। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम राजस्थान की बात करें तो ना सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट बल्कि बैटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है राजस्थान। आप ये सोचिए कि कल का मैच इन लोगों ने बहुत कंफर्टेबली जीत लिया, लेकिन उसी कंफर्ट में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जॉस बटलर, ये तीनों सस्ते में आउट हो गए थे, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने ये मैच बहुत कंफर्टेबली जीत लिया सिर्फ इसलिए
क्योंकि मुंबई ने एक ऐसा स्कोर ही नहीं दिया था बोर्ड के ऊपर कि वो उसको डिफेंड कर सके सही तरीके से। ऐसे में पांड्या को अब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी। कल के मैच में रोहित शर्मा पब्लिक से अपील भी करते हुए नजर आए कि भैया आप बू मत करो। देखिए रोहित शर्मा को लेकर जिस तरह की बातें पूरे मार्केट में चल रही हैं कि वो कप्तानी का भूखा है, उसको तो ग्रुपिज्म करना होता है और वो तो देखो हार्दिक को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब लोगों को रोहित शर्मा का वो जेस्चर देखना चाहिए। उस पॉइंट पर जब वहां पर पब्लिक पांड्या को बू कर रही है, वहीं पर रोहित शर्मा के लिए चैंस लग रहे थे, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा रोहित शर्मा। उस पॉइंट पर उस सबके बीच में रोहित शर्मा पब्लिक को शांत रहने के लिए कह रहे थे सिर्फ इसीलिए जिससे कि पांड्या मैच के ऊपर फोकस कर सके। और देखो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा से जब तक कुछ करने को बोला नहीं जाता है तब तक वैसे तो उनको कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आउट ऑफ जेस्चर आउट ऑफ गुडविल अगर रोहित शर्मा ये काम कर रहे हैं तो फिर आपको उस बंदे को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा से जिस तरीके से कप्तानी ली गई फैंस उसी बात से नाराज है। उन सबके बावजूद भी अगर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आगे आकर इस समय लोगों को बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि यार प्लीज ये सब मत करो, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और अगर आप इस चीज को भी नोटिस नहीं कर पा रहे हो तो शायद आप वाकई में इस मैच को ढंग से ऑब्जर्व कर नहीं पाए। संजय मांजरेकर ने पब्लिक को बिहेव करने के लिए कहा था, जो कि सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई जो कहते हैं खड़ूस टीचर बच्चों को स्कूल कर रहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भैया संटी पड़ जाएगी। लेकिन देखिए ये पब्लिक है, ये वो बच्चे नहीं है, अबोध बालक नहीं है, अबोध बच्चे नहीं है जिनको कि समझ में नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है। पब्लिक को आप जितना ज्यादा शांत रहने के लिए कहोगे वो उतनी ज्यादा भड़केगी, और संजय मांजरेकर ने कल वही गलती करी और इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स को बाद में वॉल्यूम ही कम करना पड़ गया था पब्लिक का। वॉल्यूम मतलब जहां से जो माइक्स वहां पर लगे हुए उन माइक्स का वॉल्यूम कम कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा जो कि बाउंड्री के ऊपर ही फील्डिंग कर रहे थे, लगातार पब्लिक उनसे सपोर्ट कर रही थी, उनका नाम चिल्ला रही थी, हार्दिक को बू कर रही थी, वहीं पर रोहित शर्मा ने कह दिया कि भैया शांति से यार थोड़ा मत करो ऐसे। देखिए रोहित शर्मा वानखेड़े में मुंबई में क्या इज्जत रखते हैं, क्या वैल्यू है उनकी, ये पूरी दुनिया जानती है। हार्दिक पांड्या की होमकमिंग थी कल, 4 मैचेस इन टोटल अभी इनको खेलने अपने होम ग्राउंड पर, उन 4 मैचों में से कल पहला मैच हुआ, उम्मीद की जा रही थी कि कल मुंबई जीतेगी, जीत से अपनी वापसी की शुरुआत करेगी, बट कल तीसरा मैच ही मुंबई हार गई। अब एक और मैच वानखेड़े में उनका दिल्ली के खिलाफ होना है, कहा जा रहा है कि इस मैच में ट्रोलिंग का लेवल थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा क्योंकि पिछले मैच में लोगों को देखा कि नहीं यहां पर कुछ शायद गलत हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि डीसी के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या ट्रोलिंग से बच पाते हैं या नहीं, क्योंकि अपने आप को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने का तरीका बस एक ही है कि आप परफॉर्मेंस दो। एक बार आपने टीम के लिए परफॉर्मेंस दी, एक बार आपने टीम को लाइन के पार निकलवा दिया, उसके बाद पब्लिक आपको धीरे धीरे नजरों में चढ़ाना भी शुरू कर देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया आपको अपने मुंह से नहीं जुबान से नहीं बल्कि आपको अपने खेल से लोगों को जवाब देना है, और हार्दिक पांड्या के लिए इस समय यही सिचुएशन बनती जा रही है। रोहित शर्मा उनके साथ खड़े हैं ये बात क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन बस हार्दिक को अपना खुद का साथ भी देना पड़ेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।